कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस सेशन में। कैसे हैं दोस्तों, कैसे चल रही पढ़ाई आपकी? बहुत बढ़िया चल रही है। मेरी भी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है, राइट? ओके, मेरी पढ़ाई इसलिए बढ़िया चल रही है कि मुझे पढ़ाना है, और आपकी पढ़ाई इसलिए बढ़िया चलनी चाहिए कि एग्जाम सर पे है, राइट? दोनों की पढ़ाई बढ़िया चल रही है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो दोस्तों ये सेशन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले अपन ये कर लेते हैं कि भैया अपन ने क्या क्या पढ़ाई की है। तो चलिए आ जाइए फटाफट से सेक्शंस को याद करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ सेक्शंस एंड टाइटल्स को ही याद रखेंगे ताकि जो है हमारे जो क्रक्स पॉइंट है वो हमारे दिमाग में, राइट? कहानी शुरू होती है दोस्तों सेक्शन नंबर 2H कॉन्ट्रैक्ट से, देन आती है सेक्शन नंबर 2E एग्रीमेंट पे, सेक्शन नंबर 2B था प्रॉमिस, सेक्शन नंबर 2A था दैट इज प्रपोजल, सेक्शन नंबर 3 था मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सेक्शन नंबर 4 था दैट इज व्हेन द कम्युनिकेशन गेट्स कंप्लीट, दैट इज व्हेन द कम्युनिकेशन गेट्स कंप्लीटेड, राइट? यस, कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ओके, देन सेक्शन नंबर 5 दैट इज व्हेन द रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस गेट्स कंप्लीटेड, सेक्शन नंबर 6 था व्हेन ऑफर कम्स टू एन एंड, सेक्शन नंबर 7 था दैट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, राइट? ओके, सेक्शन नंबर 8 जो था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइडली, सेक्शन नंबर 9 जो था दैट इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइडली, सेक्शन नंबर 10 दैट इज वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 11 कॉम्पिटेंसी टू द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 12 कॉम्पिटेंसी में अनसाउंड माइंड। कब अनसाउंड माइंड रहेगा? अनसाउंड माइंड हो तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, और जहां पे होता है ना अनसाउंड माइंड है तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और अनसाउंड माइंड पर्सन है बट फॉर द टाइम बीइंग साउंड माइंड है तो एग्रीमेंट कर सकता है, ये वाला जो था सेक्शन नंबर 12 था। सेक्शन नंबर 13 जो बोलता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कंसेंट, सेक्शन नंबर 14 फ्री कंसेंट, सेक्शन नंबर 15 दैट इज कोएर्शन, सेक्शन नंबर 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन नंबर 17 फ्रॉड, सेक्शन नंबर 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, सेक्शन नंबर 19 दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, राइट? दैट इज कोएर्शन fraud and misrepresentation, and section number 19A that is consequences of undue influences, section number 20 that is mistakes, section number 21 and 22 is consequences of mistake. Clear or not clear? Yes, 23 that is unlawful consideration, and section number 24 the unlawful consideration part, and section number 25 that is agreement without consideration. तो जो इतना सारा sections हमने पढ़ा है दोस्तों, इसमें से कहां कहां पे जो है वाइड एग्रीमेंट हो सकता है ये हम देखने की कोशिश करें। तो बेसिकली ये जो सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 25 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ चार चीजें कवर हुई। कौन कौन सी दोस्तों? नंबर 1 इज पार्टीज, पहला पार्टीज, पार्टी करने वाली पार्टी नहीं है, राइट? यस। नंबर 2 दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ऑफर, नंबर 3 दैट इज कॉल्ड एज व्हाट एक्सेप्टेंस, एंड नंबर 4 दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कंसिडरेशन। और देखिएगा इन्हीं चार चीजों में मैं आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट कर दूंगा अभी 25 तक का, बराबर है ना? यस। पार्टीज में अगर आप समझोगे दोस्तों, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं मैं, ओके? तो पार्टीज के लिए दो चीजें थी, पार्टीज में क्या क्या आना चाहिए? पार्टीज का कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, यस और नो? जहां कॉम्पिटेंसी के लिए 11 एंड 12 हमने कवर किया था, याद है? यस। देन इसके बाद फ्री कंसेंट था, फ्री कंसेंट में आपकी कहानी जो थी वो 13 एंड देन 14, राइट? और इसको डिस्टर्ब ना हो इसलिए हमें ये मानना था 15, 16, 17, 18 एंड 20, राइट? 15, 16 के लिए 19A था, एंड 15, 17, 18 के लिए 19 था, याद है या नहीं है? यस और नो? एंड 20 के लिए 21 एंड 22 था। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। कंसिडरेशन के लिए, राइट, कंसिडरेशन के लिए जो था दोस्तों दैट इज 23 एंड 24 25 था, एम आई राइट और नॉट? यस, 23 24 25 था। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के लिए क्या था दोस्तों? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के लिए क्या था? ऑफर के लिए था हमारे पास वैलिड रूल्स एज टू ऑफर, एंड एक्सेप्टेंस के लिए था वैलिड रूल एज टू एक्सेप्टेंस, यस और नो? यस।
ओके सिस्टम हैंग आउट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो कंसिडरेशन जो था वो 23, 24, 25 क्लियर और नॉट क्लियर? यस। ऑफर के लिए क्या था, ऑफर के लिए क्या था दोस्तों? वैलिड रूल्स एज टू ऑफर। एंड एक्सेप्टेंस के लिए क्या था? वैलिड रूल्स एज टू एक्सेप्टेंस। अगर पार्टीज ही ना हो, या ऑफर वैलिड ना हो, या एक्सेप्टेंस वैलिड ना हो, या कंसिडरेशन ही ना हो, यस नो, दैट इज, दिस इज विदाउट कंसिडरेशन एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अनलॉफुल कंसिडरेशन, फुल और पार्ट। तो फुल के लिए 23 एंड पार्ट के लिए जो था वो 24 था, यस और नो? तो अगर आप देखोगे पार्टीज अगर कॉम्पिटेंट नहीं है, यस और नो? यस, कॉम्पिटेंट नहीं है पार्टीज, अगर कॉम्पिटेंट नहीं है राइट, तो यहां पे 100% वाइड एग्रीमेंट था, यस और नो? यस, याद रखते जाइएगा। और 15, 16, 17, 18 चाहे वो 19 हो या 19A हो राइट, वाइडेबल था। बाकी डिटेल आपको मैं बता चुका हूं, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था। मिस्टेक में अगर बोथ पार्टीज का मिस्टेक है तो क्या हो जाएगा? वाइड एग्रीमेंट। बायलैटरल मिस्टेक है तो यस और नो? यस। और यूनिलैटरल मिस्टेक है तो क्या आएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। देन इसके बाद विदाउट कंसिडरेशन है तो वाइड एग्रीमेंट, क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? विदाउट एग्रीमेंट है तो वाइड एग्रीमेंट, एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो भी वाइड एग्रीमेंट, क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? यस। तो देखो वाइड एग्रीमेंट में इसी में से कितनी सारी चीजें कवर हो रही है। सेक्शन नंबर 11 का हो रहा है, एग्रीमेंट्स मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, क्या याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं, 11 अपन पढ़ा चुके हैं। देन 11 के बाद यहां पे देखिए, ओके 12 में तो वो अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड भी वो कहां पे जाएगा? अगर अनसाउंड माइंड है, यस और नो? अगर अनसाउंड माइंड है और बोल रहे फॉर द टाइमिंग के लिए आप साउंड माइंड हो तो वैलिड रहेगा, बट अगर आप अनसाउंड माइंड ही हो तो फिर क्या हो जाएगा? वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, यस और नो? तो 12 भी आपको कहां ले जाएगा? 11 पे ही ले जाएगा, और 11 आपको क्या कर देगा? वाइड एग्रीमेंट। तो बेसिकली अगर आप इनकॉम्पिटेंट हो तो वाइड एग्रीमेंट, ठीक है? तो 11 12 यहां पे कवर हो। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जो था दोस्तों वो हमेशा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था, इसलिए यहां पे कवर नहीं है। तो 12 तो 11 में ही कवर हो जाएगा, बट 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A तक यहां पे कोई मतलब नहीं। बट 20 में जो बायलैटरल मिस्टेक था वो जो है वो वाइड एग्रीमेंट है। ये देख लो, जो बायलैटरल मैंने बोला था ना, बायलैटरल मिस्टेक, यूनिलैटरल नहीं, बायलैटरल मिस्टेक जो है वो क्या रहेगा दोस्तों? वाइड एग्रीमेंट रहेगा। ये रहा सेक्शन नंबर 20, एग्रीमेंट्स मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक, यस। देन इसके बाद 23, 24, 25 तीनों ही वाइड एग्रीमेंट है। ये देख लो 23, 24, 25, कहने का मतलब अगर आप अनलॉफुल कंसिडरेशन पे कोई एग्रीमेंट बना रहे हो, या आपके एग्रीमेंट में अनलॉफुल कंसिडरेशन इन पार्ट है राइट, तो भी ये पार्ट ही लिखा है। 25 में विदाउट कंसिडरेशन आपने कोई भी एग्रीमेंट बनाया, मतलब आपके एग्रीमेंट में पार्टीज इनकॉम्पिटेंट है, या आपके एग्रीमेंट बायलैटरल मिस्टेक से संभावित है, ओके, या 23 में अनलॉफुल कंसिडरेशन आपके एग्रीमेंट में, 24 में अनलॉफुल कंसिडरेशन पार्टली है, ठीक है, 25 बोलता है दैट इज, या तो एग्रीमेंट आपका विदाउट कंसिडरेशन है, क्लियर? यहां तक जो है हमने सारी पिक्चर्स कवर की हुई है, क्लियर और नॉट क्लियर? अरे बोलो ना। हाँ सर, तो याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। कहां से पढ़ाई नहीं किया अपन ने? 26, 27, 28, 29, 30, 56 एंड एक सेक्शन और है 57, दैट इज रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, जहां पे पार्टली रेसिप्रोकल एग्रीमेंट जो है वो इलीगल है एंड पार्टली जो है वो लीगल है, क्लियर? याद रखिएगा वहां पे 57। तो उस केस में जो
पार्टली लीगल है वो वैलिड रहेगा और जो पार्टली इलीगल है वो वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा. तो 56 एंड 57. आई होप आई एम क्लियर. यस और नो? यस. अब मेरी बात ध्यान समझना. अब इसको भी याद कर लो. कहने का मतलब क्या है दोस्तों? जब तक 26 मतलब बोलते हैं सबसे पहले शादी करो. शादी करो तभी बिजनेस करोगे. पैसा कमाने की जरूरत तभी पड़ेगी जब आपका घर परिवार होएगा. यस. तो पहले शादी करेंगे फिर व्यवसाय करेंगे और व्यवसाय में कुछ गड़बड़ हुआ तो लीगल प्रोसीडिंग कोर्ट पे जाएंगे, है ना? बराबर है? यस. और व्यवसाय में इसके बाद अनसर्टेनिटी पे रहेगा एंड देन वेगर एग्रीमेंट. वेगर एग्रीमेंट टॉक्स इन व्हाट सेक्शन नंबर 30. क्लियर? 56 इम्पॉसिबल एक्ट की बात करते हैं एंड 57 रेसिप्रोकल एग्रीमेंट की बात करते हैं, जहां पे पार्टली जो प्रोविजन है वो लीगल है एंड पार्टली जो है वो इलीगल है. तो लीगल वाला जो पार्ट है वो वैलिड रहेगा, इलीगल वाला पार्ट जो है अनइंफोर्स दैट इज वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा. आई होप आई एम क्लियर. यस. तो पहले शादी फिर व्यवसाय और फिर कोर्ट. बराबर है क्या? यस. और चूंकि शादियां हैं या सुनो व्यवसाय कर रहे हो तो अनसर्टेनिटी रहेगी. तो दैट इज 29 पे अनसर्टेनिटी है. वेगर, वेगर का मतलब होता है शर्त लगाना. क्या लगाना? शर्त लगाना. किसी भी हैपनिंग ऑफ इवेंट में अगर वो हम जीत गए या हम उसको हार गए तो डेफिनेटली ऐसे जो शर्त होते हैं उसे हम बोलते हैं वेगर एग्रीमेंट, जो कि सेक्शन नंबर 30 में. और याद रखिए दोस्तों 26, 27, 28, 29, 30, 56, 57 स्पेसिफिकली सेज दैट एग्रीमेंट्स डिक्लेयर्ड टू बी वाइड इफ द कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ आर सेटिस्फाइड. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर. हो गया ना खत्म चैप्टर नंबर 6? और क्या पढ़ना है इसमें, है ना? अगर आप लोगों को बताओ फालतू ही टफ लगता है. इजी है ना चैप्टर, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है. लॉजिकली पढ़ा तो सब इजी है दोस्तों. और अगर गधे सरीके ना सिर्फ रट्टा मारते बैठा बिना लॉजिक के तो सब बेकार है. कितना रट्टा मारोगे बिना लॉजिक लगा? कितना याद रखोगे बोलो ना? अरे अभी बहुत लंबी जर्नी है दोस्तों, कितना याद रखोगे? या पॉसिबल नहीं है. लॉजिकली जाओ अपने आप सब याद रहता है. चलो आ जाओ. ओके ना दोस्तों, अब ये बोलता है, अब ये तो हमने याद करा दी कि पहले शादी फिर व्यवसाय फिर कोर्ट कचहरी, है ना, अनसर्टेनिटी एंड देन वेगर एग्रीमेंट. ये 5 सेक्शन याद रहेंगे 26 से लेके 30 तक. इस तरीके से याद रखना, ठीक है? क्या क्या बोला मैंने? पहले शादी, फिर दुकानदारी, फिर कोर्ट कचहरी, चौथा अनसर्टेनिटी, पांचवा वेगरिंग एग्रीमेंट. क्लियर? ओके ना 56 जो है इम्पॉसिबल है, ठीक है? ये बोलता है 26, बोले शादी क्या साहब, वाइड एग्रीमेंट? नहीं नहीं रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वाइड एग्रीमेंट. रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट पैदा करना. क्या? किसी की शादी हो रही है ना होने देना. यस और नो? ट्रेड कर रहा है ना करने देना, दैट इज ऐसा एग्रीमेंट अगर आप करते हो, है ना, ऐसा एग्रीमेंट करते हो. क्या बोलते हो आप कि जाओ उसकी शादी हो रही है मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा इसकी शादी तोड़ दो. अरे भाई किसी की शादी हो रही है, आप बताओ उसकी शादी तोड़ रहे हो, बेचारे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये क्या है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है. यस और नो? यस. तो ऐसा एग्रीमेंट अगर करोगे तो वाइंड नहीं होगा तो क्या होएगा साहब? दूसरा आता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. अरे कोई व्यापार चलाना चाहता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, आप बताओ उसको बोल रहे है, किसी गुंडे को बोल रहे ये लो 10 लाख रुपए उसका दुकान तोड़ दो बंद कर दो, साहब चलेगा क्या? नहीं चलेगा साहब. रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो वाइड एग्रीमेंट, है ना. ओके वाइड एग्रीमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ठीक है भाई आपने उसको पैसा दे दिया, बट अगर मान लो अब उसकी यू नो अंदर की अंतरात्मा जागी है, उसने बोला नहीं नहीं ये गलत काम है मैं नहीं करूंगा और मैं अब इसको पैसे भी वापस नहीं करूंगा 10 लाख रुपए, तो वो जो बंदा 10 लाख रुपए दिया था वो केस नहीं कर सकता, उसको सू नहीं कर सकता. क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट वाइड एग्रीमेंट. इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते. तीसरा बोलता है एग्रीमेंट्स एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग. आप कोई ऐसा एग्रीमेंट किसी के साथ भी बना रहे हो, बिजनेस में हो गया या जैसे भी, और पर आप उसमें बोलते हो कि ये क्लॉज नहीं आएगा कि तुम मेरे कंसेंट के बिना कोर्ट में नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे कंसेंट के बिना कोर्ट में नहीं जाओगे. अगर ऐसा प्रोविजन आपने अपने एग्रीमेंट में लिखा है ना दोस्तों, तो वो एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट होगा. आगे बात समझ? तो भाई मैंने अपने कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रखे, सामने वाली पार्टी ने कुछ राइट्स ऑब्लिगेशन रखे, और आप उसमें बोल रहे हो बिना मेरी कंसेंट, अगर मान लो मैं तुम्हारे साथ धोखा भी करता हूं तो मेरे बिना कंसेंट के कोर्ट में नहीं जाओगे, मतलब केस नहीं करोगे, और तुम्हारे कंसेंट के बगैर मैं कोर्ट में केस नहीं करूंगा, साहब ये एग्रीमेंट जो है वो वाइड. अगर आपके एग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज है तो आपका एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट, इट इज नेवर एक्सेप्टेबल इन द आईज ऑफ लॉ. ओके देन इसके बाद एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ दैट इज फॉर अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी मैंने बताया था, अनसर्टेनिटी कई तरीके से होती है. एक तो होती है
एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गुड्स, एंड सेकेंड होता है दोस्तों दैट इज पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, राइट। अब जो अगर मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट मैटर के एग्जिस्टेंस की, तो मैं बात करूँगा दोस्तों उसके एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, वो सब्जेक्ट मैटर जिंदा होना चाहिए। आप एग्रीमेंट कर रहे हो, सपोज मुझे कार खरीद, अब कार है ही नहीं, कार में आग लग गई तो क्या करोगे साहब? यस और नो, आंसर, कार एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करने की बात कर रहे हो, चलो भाई मैं इतने में चार्टर्ड अकाउंटेंट ही मर गया, अब क्या करोगे? लॉयर को आप हायर करने की बात कर रहे हो, आपने एग्रीमेंट किया, लॉयर ही मर गया, तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब जिस दूसरा आता है क्वालिटी परचेज करने की, मुझे यही क्वालिटी चाहिए, मुझे BMW वाला ही चाहिए, मुझे ऑडी ही चाहिए, अब उसकी वजह पे अब उसकी जगह पे कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको दे देगा, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दे देगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा साहब। तो ये बोला अनसर्टेन, जो मांगा है वही चाहिए, कंसेंसस एड आइटम आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों? कंसेंसस एड आइटम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इफ देयर इज अ मिसिंग ऑफ कंसेंसस एड आइटम, डेफिनेटली दैट एग्रीमेंट इज वाइड एग्रीमेंट। आई होप आई एम क्लियर। यस। थर्ड ही आता है दोस्तों, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेगर, राइट। वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेगरिंग मतलब शर्त लगाने वाला। मैंने बोला 10 लाख रुपए दूंगा अगर आज बारिश हुई तो, उन्होंने बोला नहीं होगी बारिश, लगा शर्त भाई। हाँ, उसने बोला ठीक है, लगा शर्त भाई, आज सचिन जो है आज 6 मारेगा, छक्के मारे, सेंचुरी पूरी करेगा आज। लगा दिया सर, सेंचुरी मार दिया भाई, ठीक है बहुत बढ़िया, आप जीत गए। अब मैंने अगर आपको पैसा फिर भी देने से इनकार कर दिया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। दैट वैगरिंग एग्रीमेंट इज टोटली वाइड एग्रीमेंट दोस्तों। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। दैट इज 30। 56 होते हैं इम्पॉसिबल एक्ट। मैंने बोला जाओ तुम चांद तारे तोड़ के लाओ, मैं तुमको 50 लाख रुपए दूंगा। यस और नो? यस। ऐसे एग्रीमेंट है, क्लियर? यस, वाइड एग्रीमेंट है दोस्तों। एंड 57 मैंने बता दिया, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है, जहाँ पे पार्टली जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर है, वो लीगल है, एंड पार्टली जो है इलीगल है। तो जो लीगल वाला पोर्शन रहेगा दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एंड जो इलीगल वाला पोर्शन है वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। आई होप आई एम वाइड एग्रीमेंट रहेगा, राइट। Yes, तो इसी के साथ जो है दोस्तों बेसिक जो है ये ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट होती है वाइड एग्रीमेंट की, राइट। अब इसमें जो स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स जो डिस्कस हो रहे हैं इसमें, राइट, 27 26 में, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 26 में एवरी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ अ पर्सन अदर देन अ माइनर इज वाइड, ठीक है। माइनर की शादी हो रही है आप रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बड़े लोगों की शादी हो रही है ना, 18 साल से ऊपर लोगों को, उनकी शादी मत रोकना, क्लियर? यस। दूसरा आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 27, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाइड। अगर आप किसी के व्यवसाय में यू नो दैट अवरोध पैदा करते हैं, तो वो जो एग्रीमेंट बनाया गया, वो जो अनुबंध बनाया गया, एग्रीमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुबंध बोलते हैं। तो वो जो भी अनुबंध आपने बनाया है वो वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा, राइट। यस। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रिस्ट्रेंड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, क्लियर और नॉट क्लियर? यस, टू द एक्सटेंट वाइड। इसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि सामने वाला अगर अपनी गुडविल बेच रहा है, यस और नो? गुडविल बेच रहा है, सपोज मान लो मैंने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि मैं तुमको 50 लाख रुपए दूंगा अगर तुम अपना ये बिजनेस जो है ये मेरे मार्केट से हटा लो। क्या बोला मैंने? मेरे मार्केट से हटा लो, ये पर्टिकुलर मार्केट है, इस मार्केट से हटा लो, बाकी और कहीं यहां से हटा लो, मैं तुमको 50 लाख रुपए दे रहा हूं। ये 50 लाख रुपए किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि उसने गुडविल कमाई थी दोस्तों, राइट। यस। एंड गुडविल के कारण वो सामने वाले कॉम्पिटिटर का जो बिजनेस नहीं चल रहा, तो उसने बोला यार 50 लाख रुपए देके इसको साइड मारो, क्लियर नॉट क्लियर? यस। तो अगर कोई गुडविल सेल करके, राइट, ये बोलता है कि भैया मैं तुम्हें बिजनेस नहीं करने दे रहा, यहाँ पे मत करो, मैं उसके लिए आपको पेमेंट कर रहा हूँ, चलेगा। पर आप ये बोलते हो अब तुम ये पैसे लो और अब तुम जिंदगी भर ये बिजनेस पूरे इंडिया में कहीं नहीं कर सकते हो, तो दैट एग्रीमेंट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट, क्लियर नॉट क्लियर? तो ये बोलता है गुडविल अगर आप सेल कर रहे हो तो आपके पास राइट है, आप रिस्ट्रेंट डाल सकते हो, बट रीजनेबल रिस्ट्रेंट होना चाहिए, अनरीजनेबल रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए एज द कोर्ट थिंग्स। देखो यहाँ पे लिखा है वन हु सेल्स द गुडविल ऑफ अ बिजनेस मे एग्री विद द बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस। अब तुम बोला नहीं तुमको मैं बिजनेस ही नहीं करने दूंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। सिमिलर, एक तो ये वर्ड है सिमिलर बिजनेस आप मत करने दो से, दूसरा बोलते हैं स्पेसिफाइड लोकल लिमिट पे, है ना, इस पर्टिकुलर मार्केट, बाकी दूसरी जगह अभी बोलो साहब आप कर ही नहीं सकते, इंडिया में ही नहीं कर, अरे भाई जहां पर तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है वहां पे भी आप उसको रोक रहे हो, वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। सो लॉन्ग एज द वायर और एनी पर्सन डिराइविंग टाइटल टू द गुडविल फ्रॉम हिम कैरीज ऑन अ लाइक बिजनेस देयर इन प्रोवाइडेड सच लिमिट, ये जो लिमिट है अपीयर टू द कोर्ट रीजनेबल, कोर्ट को रीजनेबल लगना चाहिए। 28 क्लियर हो गया? यस। बस ट्रेड के केस में ये याद रखना, गुडविल के केस में जो है वो चलेगा, क्लियर।
ना इसमें एक और आ जाता है दोस्तों, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। क्या आ जाता है यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप, मैंने किसी की इंप्लॉय को रखा तो मैं उसको बोलता हूँ कि भैया यहां से निकलने के बाद आप 5 साल तक ये बिजनेस जो है आप नहीं कर सकते। ओके, अब यहां से निकलने के बाद जिंदगी भर बिजनेस ही नहीं करोगे साहब, वो गलत है। समझ में आया? यस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड ड्यूरिंग दैट एम्प्लॉयमेंट अगर आप रिजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हो, दैट इज ओके विद दैट। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्रीमेंट इन लीगल प्रोसेस। मैंने बता दिया भाई, एक एक पार्टी दूसरे पार्टी को कोर्ट में जाने के लिए अगर बाध्य करती है अनुबंध के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। पर मान लो यहाँ पे जो एक वर्ड बोल रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लो ए ने बी को बोला कि अगर मैं तुम्हारे साथ कोई धोखाधड़ी भी करता हूँ तो आप कोर्ट में नहीं जा, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, ये वाइड एग्रीमेंट। पर अगर बी बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई भी गड़बड़ किया, या ए बोलता है बी को कि मैंने अगर तुम्हारे साथ कोई भी गड़बड़ किया, तो हमारे जुरिसडिक्शन में दो कोर्ट आते हैं, कोर्ट नंबर ए, कोर्ट नंबर बी। पर अगर आपको केस करना भी हो तो कोर्ट नंबर बी करना, कोर्ट नंबर ए करोगे तो मैं नहीं मानूंगा, कोर्ट नंबर बी करना, क्योंकि कोर्ट नंबर बी जो है वो मेरे लिए कन्वीनियंट होगा। क्लियर? यस और नो? तो बताओ, अगर इस तरीके का एग्रीमेंट बनता है कि जैसे सपोज मान लो मैं पुणे में पढ़ा रहा हूँ, राइट, पुणे में पढ़ा रहा हूँ, और उसी के साथ साथ मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ अपना, ठीक है, या प्रैक्टिसिंग सीए वगैरह कुछ भी आप मान लो। अब मैंने अपने क्लाइंट को बोला या क्लाइंट ने मेरे को बोला कि अगर कोई भी इशू हुआ तो हम जो है ना, यू नो दैट मुंबई कोर्ट में जो है वो अपील कर सकते हैं। मैंने मुंबई क्यों जाना है, पुणे ही कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। या पुणे में मान लो दो कोर्ट थे, दो बेंचेस थी, ठीक है, तो मैंने बोला एक ये बेंच है जो मेरे यहाँ से पास पड़ रही है, थोड़ी सी दूसरी बेंच है जो दूर पड़ रही है, दोनों ही जुरिस्डिक्शनल एरिया में कवर हो रहे थे। तो मैंने एग्रीमेंट में लिख दिया कि भाई अगर सपोज मान लो मैं आपको यस क्या कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो आप जो है सिंगड़ रोड पे जो कोर्ट है, सपोज मान लो, ठीक है, सिंगड़ रोड पे जो कोर्ट है, एक सपोज मान लो जो है एक एफसी रोड पे कोर्ट है, दो कोर्ट है। अब मेरा जो ऑफिस, मेरी क्लास रूम है सिंगड़ रोड के पास, मैंने बोला जो भी केस होगा, जो भी कुछ भी मुकदमेबाजी होगी वो सिंगड़ कोर्ट में होगी, वो एफसी रोड कोर्ट में नहीं होगी, ऐसे मान लो, ऐसा मैंने बोल दिया। क्लियर? यस। तो अब ये बताओ इस तरीके का जो क्लॉज है आपके एग्रीमेंट में, ठीक है, बताओ क्या ये एग्रीमेंट को वाइड बना देगा? बोलो जरा फटाफट से। एग्रीमेंट इन लीगल प्रोसीडिंग, क्या आप एक पार्टी दूसरे पार्टी को बाध्य कर रहे कि आप इस कोर्ट में मत जाना, लीगल प्रोसीडिंग मत करना, इसी कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग करना? और आपका जवाब क्या आएगा? यस, बिल्कुल, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, समझदार लोग हो, यस हो, तो जवाब यस में आना चाहिए, यस, और एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। नो, एग्रीमेंट वाइड नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एब्सोल्यूटली। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्यूटली। मैंने बोला कि मैं करने ही नहीं दूंगा, हाँ, मतलब लीगल प्रोसीडिंग होगी ही नहीं, नॉट इवन अ सिंगल परसेंट, एब्सोल्युटली मतलब 100% नहीं होगी, 100% होगी ही नहीं। समझ में आ गया? और यहां पे क्यों बोलती, ऑप्शन दे दिए ये या ये, तो भाई साहब क्या, हाँ 100% है कि मैं करने नहीं दे रहा, मैं करने दे रहा, बस इस कोर्ट में, इस कोर्ट में करने दे रहा क्योंकि ये मेरे लिए कन्वीनियंट है। ठीक है, तो 100% नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है, बस मैंने ये 50% रिस्ट्रिक्शन डाला, अभी 50% है, और यहाँ पे क्या बोले, 100% रिस्ट्रिक्शन चाहिए, 100% नहीं था साहब, तो ये जो एग्रीमेंट है ये वैलिड रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। यस, ये वर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। दूसरा बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ, दूसरा बोलता है एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच ही मे दस इन्फोर्स हिज राइट्स। ये क्या बोल रहा है, लिमिट्स द टाइम विद इन विच ही मे दस इन्फोर्स हिज राइट्स। ये बोल रहे हैं साहब कि आप जो लीगल प्रोसीडिंग करना चाहते हो वो बस अगर आपको करना 2 ही दिन में करना, तीसरे दिन करोगे तो नहीं मानूंगा। बोले ऐसे कैसे साहब? बोले जो लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट है वो बोलता है साहब 3 साल तक, 3 ईयर्स का टाइम दे रहा है, 3 साल में आप कभी भी जो है वो केस कर सकते हो। आप बोलो साहब 2 दिन। बोले हाँ मैं एग्रीमेंट में लिख रहा इसलिए। बोले नहीं साहब, आपका एग्रीमेंट जो है वो अगेंस्ट द लॉ जा रहा है, और एग्रीमेंट अगर अगेंस्ट द लॉ जाएगा तो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इन्फोर्सेबल नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। समझ में आ गया? यस। तो 3 साल के पीरियड के अंदर अगर वो रिस्ट्रेन कर रहा है, क्या बोल रहा है, विच कर्टिल द पीरियड ऑफ लिमिटेशन,
प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। तो जो भी लॉ में लिखा है 2 साल 3 साल जो भी लॉ में लिखा हुआ आप उसके पहले वाली डेट दे रहे हो, उसके और कम वाली डेट, 2 साल वहां पे दिया लॉ में, मैं बोल रहा हूँ 1 साल, नहीं चलेगा साहब, बिल्कुल नहीं चलेगा साहब। आई होप आई एम क्लियर। यस क्लियर, पक्का 100%। यस विच एक्सटिंग्विशेस द राइट ऑफ एनी पर्सन, ये भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटिंग्विशेस द राइट ऑफ एनी पर्सन मतलब कोई भी दो पार्टी में से एक पार्टी दूसरे वाले बंदे की राइट्स को क्या कर रहा है, एक्सटिंग्विश द राइट ऑफ एनी पार्टी और डिस्चार्ज एनी पार्टी देयर टू फ्रॉम एनी लाइबिलिटी, मतलब ना लाइबिलिटी को लेने की लेने दे रहा है और ना लाइबिलिटी देने दे रहा है। मतलब ये बोल रहा है विच एक्सटिंग्विशेस द राइट्स ऑफ एनी पार्टी देयर टू और डिस्चार्जेस एनी पार्टी देयर टू फ्रॉम एनी लाइबिलिटी, मतलब ना मैं तुम्हें अधिकार यूज करने दूंगा, extinguishes the right, और बोल रहे और liability है तो ना मैं तुम्हें pay करने दूंगा, under or in respect of any contract on the expiry of a specified period। क्या बोल रहे on the expiry of specified period, suppose मान लो crossword puzzle आपने देखा होगा newspaper में आता है right, और उसमें अगर उसने लिख दिया भाई, अब चूंकि क्रॉसवर्ड पजल है जो जीतेगा ठीक है वो सिकंदर है, पर उसने बोल दिया कि भाई तुम्हारा आंसर कुछ भी जो फाइनल आंसर वो मेरा होगा वही माना जाएगा, भले ही मेरा आंसर गलत हो बट जो फाइनल आंसर हमने दे दिया वही फाइनल आंसर माना जाएगा, आपके आंसर को एक्सेप्ट नहीं किया गया। मतलब आपने क्या कर दिया, सामने वाले राइट्स को, सामने वाले की राइट्स को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यस और नो? यस। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल था द रूल्स ऑफ अ क्रॉसवर्ड कॉम्पिटिशन ऑफ अ पब्लिक weekly published by X Limited are that the first prize will be awarded for the solution that agrees most nearly with the one kept in a sealed cover. Okay. Second बोलता है that in matters arising in the competition the editor's decision shall be final. बोला साहब जो editor का decision होगा वही final होगा, भले ही आपका answer सही हो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मतलब आपने उसके rights को छीन लिया। And legally binding on the competitors. एंड लीगली बाइंडिंग ऑन द कॉमन, मतलब मेरा ही जो आंसर है वही फाइनल होगा और वही कोर्ट में भी एक्सेप्टेबल होगा। एंड थर्ड दैट द दैट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 3 months फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द प्राइज लिस्ट एक्स लिमिटेड शैल नॉट बी लाइबल टू पे एनी क्लेम अनलेस अ सूट फॉर इट इज देन पेंडिंग। कहने का मतलब ये बोल रहा है 3 महीना अगर बीत गया 3 महीने के बाद आप कोई भी सू नहीं कर सकते हो, है ना 3 महीने, मतलब ये तीसरा वाला क्या हो गया दोस्तों, यस लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 3 साल का बोलते हैं आपने 3 महीने बोल दिया सब नहीं चलेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहाँ पे बोला हेल्ड रूल 1 मेक्स द कॉम्पिटिशन ऑफ वैगरिंग एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 30। एक तो ये क्रॉसवर्ड पजल जो वैगरिंग एग्रीमेंट है हो भी सकता है नहीं हो भी हो सकता है वाला सिचुएशन है। ओके दूसरा रूल 2 बोल रहा है रिस्ट्रिक्ट पर्सन एब्सोल्यूटली, आपने पूरा एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप कोर्ट में केस ही नहीं कर सकते हो, बात खत्म, मतलब मेरा जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा और वही लीगली बाइंड भी होगा, मतलब आपको मैंने अब लीगल कॉन्सिक्वेंस के लिए मैंने अलाउ ही नहीं किया कि आप कोर्ट पे जाके जो है आप अपनी बात रख सकते। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो दोस्तों तो डेफिनेटली जो है वो रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग माना जाएगा, दैट एग्रीमेंट इज वेरी मच वाइड एग्रीमेंट। एंड तीसरा बोलता है लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट, अगर आप हैम्पर करोगे और उसके पहले वाली आप डेट दोगे कि 3 साल की जगह पे 3 महीने के अंदर अगर आपने नहीं किया राइट, 3 महीने और 4th दिन पे अगर आपने किया तो वो वाइड माना जाएगा, नहीं साहब अगर आपने ऐसा क्लॉज डाल दिया है तो एग्रीमेंट ही वाइड हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। यस तो दिस सेक्शन नंबर 28 इज दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 29 बोलता है ओके यहाँ पे ये तीन केस है राइट, तीन केस है, एक्सेप्शन 1 एक्सेप्शन 2 एक्सेप्शन 3, ये मैं केस स्टडी करते वक्त डिस्कस कर लूंगा। ओके 29 इस फॉर अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है, ये भी मैं केस स्टडी के पॉइंट पे ही डिस्कस करूंगा। एंड 30 वैगरिंग एग्रीमेंट, ये भी मैं केस स्टडी के टाइम पे ही डिस्कस करूंगा दोस्तों ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये हमारा जो सारा का सारा प्रोविजन है कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट सेशन पे हम आपके साथ केस स्टडी में डिस्कस करेंगे और सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे ठीक है। तो यस इसके बाद वाला सेशन लास्ट सेशन रहेगा वैगरिंग एग्रीमेंट के लिए, इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो इजाजत है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।